लीफ हाइड्रोपोनिक फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग क्यों चाहिए। प्यारे किसान भाइयों, आप देखो कि अगर कोई फौज में भर्ती होता है उसको भी ट्रेनिंग चाहिए, कोई डॉक्टर बनता है उसको भी ट्रेनिंग चाहिए, कोई इंजीनियर बनता है उसको भी ट्रेनिंग चाहिए, कोई नर्स बनती है उनको भी ट्रेनिंग चाहिए, कोई वेल्डिंग करता है, कोई प्लम्बिंग करता है, कोई बिजली का काम करता है, सबको ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हुआ कि खेती के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। इसलिए मेरी राय है कि खेती के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। भले ही हाइड्रोपोनिक खेती जो है, जो बिना मिट्टी के खेती है, वो एक रॉकेट साइंस नहीं है, वो ऐसी बात नहीं है कि कोई सीख नहीं सकता, लेकिन वो सीखनी जरूरी है। फिर भी उसके लिए आपको ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। आप ट्रेनिंग कहीं भी करें, आप सबसे पहले तो एक हाइड्रोपोनिक फार्म को विजिट करें, उसका भ्रमण करें, उसका दौरा करें, और उसके बाद सोच समझ कर जो आपने करना है उसकी ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना मिट्टी के खेती जो है ये कवर्ड एरिया में होती है, ये सुरक्षित खेती है। इसके लिए एक पॉली हाउस चाहिए, उसका भी प्रबंधन होता है, फसल का प्रबंधन होता है, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका प्रबंधन होता है, जो आप इनको खुराक दे रहे हैं उसका प्रबंधन होता है, जो बीमारियां लगती हैं उसका प्रबंधन होता है, जो पौधे का देख रेख करनी है इन सब का प्रबंधन होता है। इस सब का प्रबंधन जो है बाहर की खेती से, बिना मिट्टी की खेती के लिए भिन्न है। इसके लिए उसको सीखना जो है वो बहुत जरूरी है। आप कहीं पर भी सीखें, हम भी ट्रेनिंग करवाते हैं। और ट्रेनिंग क्या है कि आप बिना मिट्टी की खेती में कहाँ काम करते हैं, क्या आप फार्म के मालिक हैं, उसके लिए अलग ट्रेनिंग होगी, क्या आप फार्म की मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, प्रबंधन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग होगी, और क्या आप किसी के फार्म पे काम करना चाहते हैं उसके लिए अलग ट्रेनिंग होगी। देखिए, कामें जब फार्म में ट्रेनिंग करते हैं तो उसके लिए हर फसल को एक तरीके से पालना होता है, उसको पालने का प्रबंधन सीखने के लिए जो कर्मचारी हैं, जो फार्म में काम करते हैं, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो इसलिए मेरी ये राय है कि कोई भी किसान या कोई भी जो है व्यक्ति अगर बिना मिट्टी के खेती करना चाहता है तो उसको खुद भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, उसको अपने मैनेजर को भी ट्रेनिंग करानी चाहिए, और उसको अपनी लेबर को भी ट्रेनिंग करानी चाहिए। ये ट्रेनिंग हम भी कराते हैं, मैनेजर के लिए 15 दिन की, लेबर के लिए 6 महीने की, 3 महीने की, कौन सी फसल आपने लगानी है उस पर निर्भर करता है। और आपके लिए, अगर आप फार्म खोलना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी जो ट्रेनिंग है वो 2 दिन की भी है और 3 दिन की भी है। 2 दिन में हम सब कुछ सिखा देते हैं, लेकिन 3 से तीसरा दिन जो होता है वो आपके पूरे का पूरा दिन जो है, आपको कहीं भी कोई सवाल है उनका जवाब देने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार फिर जो है मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कहीं भी बिना मिट्टी की खेती करने का फैसला करते हैं तो आपको ट्रेनिंग जरूर करें। और जरूरी नहीं कि आप ट्रेनिंग करके आपको फार्म खोलना ही है, आप ट्रेनिंग करने के बाद भी ये सोच सकते हैं कि शायद फार्म खोलना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो किसानों के काम के हैं तो फिर आप हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, और हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जितनी भी जानकारी है बिना मिट्टी की खेती की वो पहुंचती हो सके। नमस्कार।